क्लास सेवन मैथ का चैप्टर नंबर 1 और आज उसमें जो है हमने सादा सा कॉन्सेप्ट समझना है वो है रेशियो। रेशियो जिसको उर्दू में निस्बत कहते हैं। बेसिकली ये कंपैरिजन होता है दो चीजों के दरमियान मुआजना होता है। जैसे हम कहते हैं फलां चीज फलाने के मुकाबले में इतनी बड़ी है, फलां चीज फलाने के मुकाबले में इतनी सस्ती है, तो इसको हम लोग निस्बत कंपैरिजन मुआजना या मैथ की जबान में रेशियो कहते हैं। रेशियो दो चीजों के दरमियान में होगी जो एक जैसी होंगी। जैसे एक किलो और एक लीटर में रेशियो उसकी नहीं बनती, क्योंकि किलो लंबाई है लीटर लंबाई नहीं है। सेम क्वांटिटी होगी, कीमत होगी तो कीमत के साथ, लंबाई होगी तो लंबाई के साथ, चौड़ाई होगी तो चौड़ाई के साथ, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम के साथ। तो रेशियो में पहले वाली क्वांटिटी को एंटीसीडेंट कहते हैं और जो रेशियो के बाद में आती है उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फिर इसका यूनिट भी कोई नहीं होता, क्योंकि कंपेरिजन है तो आपस में यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो पहले वाली वैल्यू होगी वो ऊपर के ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली जो दूसरे वाली है वो नीचे आ जाएगी। अब ऊपर वाली को न्यूमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर का नाम दिया जाता। अब हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। 1.1 की क्वेश्चन 1 से पहले दो पार्ट में लिए हैं समझने के लिए। 15 और रेशियो 75 है, हम इनको कॉमन टेबल से डिवाइड करना होता है। अभी 3 से भी काट सकता था, 5 से भी काट सकता था, पहले मैं 5 से काट देता हूँ बाद में उनको 3 से, लेकिन ये नहीं है कि एक क्वांटिटी को और नंबर से काट दे दूसरी क्वांटिटी को किसी और नंबर से काट दे। 15 भी 5 के टेबल में आता है, 75 भी, 5 3 15 और 5 15 75। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब फिर से 3 में हम 5 में नहीं काट सकते, 2 में भी नहीं करते, 4 में नहीं करते, 3 के टेबल में आसानी से कट जाते हैं। 3 1 3 और 3 5 15 आ गया। तो नंबर इनको लेकर सिंपलीफाई कर दिया था, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है रेशियो के, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। 15 1 15 2 1 2 5 3 15 3 3 9 तो रेशियो हो गई 2:9। तो इस तरह हम लोग किसी भी रेशियो को उसकी सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।